आज बरसात थी ना, तो मैं छतरी ले आई। मैंने सोचा अगर बारिश में मेरी आग बुझ गई तो क्या होगा। मैंने सोचा अगर बारिश हो गई तो मेरी टेड टॉक पे तो पानी फिर जाएगा। तो अब तो नहीं आ रही। तो दोस्तों, दो तरह की आग होती है। एक बाहर जो दिखती है, अमीर लोग, ताकतवर लोग बाहर की आग को खूब बड़ा जला सकते हैं, उनके पास रिसोर्सेज होती हैं, गरीब नहीं कर सकते। अंदर की आग पहली बात तो दिखाई नहीं देती। अगर दिखती भी है तो हमारे कारनामों में, हमारे कैरेक्टर में दिखती है। और ये अजीब सी आग है, कहीं भी कभी भी जल जाती है। गरीब में भी, अमीर में भी, औरत में भी, मर्द में भी, काले में भी, गोरे में भी। अब जैसे 500 साल पहले मीराबाई में ये आग जल उठी और मीराबाई ने सारी परंपराएं तोड़ ताड़ कर अपना रास्ता अपनाया। 125 साल पहले सावित्रीबाई फूले वहां लग गई चिंगारी, पहला लड़कियों का स्कूल महाराष्ट्र में खोल दिया। आजकल आसाम के छोटे से गांव की छोटे किसानों की बेटी हिमा दास में लगी हुई ये आग। कभी कहीं पर गोल्ड ले आती है, कभी कहीं पर सिल्वर बटोर लेती है। हमारे पाकिस्तानी बेटी मलाले में क्या आग लगी कि 17 साल में नोबेल लॉरिएट बन गई। तो क्या है ये भीतरी आग, द फायर विद इन, व्हाट इज इट? मैं आपको वो बताती हूं जो मैं समझती हूं ये है। फायर ऑफ कॉन्शियसनेस, विजन, पैशन, डिटर्मिनेशन, विल पावर, द कैपेसिटी टू वर्क, यानी हमारा जुनून, पागलपन, जज्बा, हौसला, हिम्मत और मेहनत। अंदर की आग है मेरा आत्मसम्मान और मेरा आत्मविश्वास। अंदर की आग है मेरा मुझको जानना, मेरी खुद से दोस्ती, और इस बात को भूल जाना कि लोग क्या कहेंगे, ये सोचना ये सोचना कि मैं क्या चाहती हूं, कौन सा रास्ता अपनाना चाहती हूं। दोस्तों, मेरे ख्याल से अंदर की आग वो है जो हमें झूठ से सच की ओर, अंधेरों से उजालों की ओर ले जाती है, जो हमारे अंदर ढाई आखर प्रेम के पैदा करती है, जो हमें पंडित बना देते हैं, जो हमें इंसान बना देते हैं। अंदर की आग वो है जो हमारे दिलों को खोल देती है, जो हमें वसुधैव कुटुंबकम सिखा देती है, द होल वर्ल्ड इज माई कंट्री, नॉट जस्ट वन कंट्री। अंदर की आग दोस्तों एंगेजमेंट है, ऐसा एंगेजमेंट कि कभी काम खत्म ही नहीं होता। व्हाट इज नेक्स्ट, व्हाट इज नेक्स्ट चलता रहता है। इसका मतलब अंदर की आग हमारा इंजन है और उस इंजन का ईंधन भी है। मानते हो? मानते हो, वेरी गुड। अब दोस्तों, कुछ लोगों के अंदर एक आग होती है सिर्फ पैसा कमाने की, सिर्फ पोजीशन और पावर पाने की। मैं ये मानती हूं कि अगर वो अंदर की आग उनके दिलों को सिकोड़ दे, अगर वो अंदर की आग उन्हें स्वार्थी, लालची बना दे,
अगर उनके वो अंदर की आग दूसरों को पीछे धकेल के उनको आगे बढ़ाए, तो ये मेरी फायर विद इन की डेफिनेशन में नहीं आता. मैं इसको डिस्ट्रक्टिव समझती हूँ. क्यों? क्योंकि दोस्तों, खुद को खुश करना, दो तीन बच्चे पाल लेना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है. ये तो जानवर हमसे बेहतर कर लेते हैं, न जाने कितने बच्चे पाल लेते हैं अपनी उम्र में. मैं ये मानती हूँ कि अगर इंसान है तो फिर औरों के लिए कुछ हमें करके जाना चाहिए. और मैं ये भी मानती हूँ कि अगर हमने समाज में कोई बदलाव लाना है, अगर हमने असमानता से समानता की तरफ जाना है, अन्याय से न्याय की तरफ जाना है, तो अंदर की आग जरूरी है. शायद इसीलिए कवि दुष्यंत ने कहा कि मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में से ही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए. इसी आग से ख्वाब पैदा होते हैं और ख्वाबों से पैदा होता है सफर. शायद इसीलिए कवि पाश ने कहा कि सबसे खतरनाक होता है सपनों का मर जाना. मुझे लगता है कि इसी अंदर की आग ने मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा बना दिया, बीआर अंबेडकर को बाबा साहब अंबेडकर बना दिया. तो ये है जनाब आग. अब दोस्तों, सच्ची बात बताऊं तो मुझे अपने अंदर की आग के बारे में बात करना ऐसा लगता है जैसे छोटे मुंह बड़ी बात, थोड़ा इमोडेस्ट सा लगता है. तो मैं छोटे मुंह बड़ी बात कर रही हूँ, आपसे माफ़ी मांग के अपनी कहानी सुनाती हूँ. 72 साल पहले पंजाब के एक छोटे से गांव में पैदा हुई. वो मेरा गांव आज पाकिस्तान का हिस्सा है. मेरे पिताजी डॉक्टर थे, सरकारी डॉक्टर. मेरी माँ 6 बच्चे पालती थीं, घर चलाती थीं. मैं राजस्थान के 2 शहरों और 5-6 गांवों में बड़ी हुई. मेरी पहले स्कूल का नाम पता है क्या था? टांगे वाले अड्डे की पंडित जी की पाठशाला. एक कमरे और एक वरांडे में 5 क्लासें चलती थीं. पंडित जी एक थे. इसी तरह के स्कूलों में 10वीं की, बीए किया एक सरकारी कॉलेज से और एमए इकोनॉमिक्स में किया. छोटी सी थी तो खेलना पसंद था, पेड़ों पे चढ़ना, साइकिल चलाना, बकरी घोड़ा गधा कोई मिल जाए उसके ऊपर चढ़ना. पूरे गांव में, किसी भी गांव में कोई और लड़की बाहर मैदान में नहीं होती थी, तो मैं पूरी उम्र बचपन में सिर्फ लड़कों के साथ खेल पाई. और मेरी खुशकिस्मती है कि मेरे माँ बाप ने, मेरे 2 बड़े भाइयों ने मुझे कभी रोका नहीं और मुझे अपनी पसंद की जिंदगी जीने के लिए आगे आने दिया. जब मैं एमए पढ़ रही थी तो मुझे वहाँ 2 जर्मन दोस्त मेरी बनी, उन्होंने मुझे जर्मनी जाने के लिए एक फेलोशिप दिलवा दी. अब मेरे माँ बाप के पास तो पैसा बिल्कुल नहीं था, तो उस फेलोशिप से मैं जर्मनी पहुँच गई एमए इकोनॉमिक्स में. अब मैंने कहा सोशियोलॉजी पढ़ते हैं, और मैंने जर्मन सीखी, सोशियोलॉजी पढ़ी, और सबसे ज़्यादा सीखी जिंदगी, अपने आप को समझा, अपनी कमजोरियों और अपनी ताकत को समझा, अपने देश से, अपनी कल्चर से दूर रह के अपने देश और कल्चर की कमजोरी और ताकत को समझा, बहुत कुछ सीखा. और वहाँ मैं 24 साल की थी, 2 साल के बाद तो मुझे एक नौकरी ऑफर हुई. जर्मन गवर्नमेंट की नौकरी थी और जर्मन डेवलपमेंट एक्सपर्ट्स को हमारी कल्चर्स के बारे में बताना था. अच्छी बड़ी तनख्वाह,
मैंने ले ली, मैंने कहा चलो थोड़ा और सीख लेते हैं। मगर 11 महीने बाद मैंने इस्तीफा दे दिया और मैंने कहा नहीं, मुझे वापस हिंदुस्तान जाना है और वहाँ काम करना है जहाँ मैं खुद पढ़ी लिखी थी, वैसे गांवों में पढ़ना है। मुझे मालूम था कि मेरे माँ बाप इससे ज़्यादा खुश नहीं होंगे, क्योंकि वो चाहते थे कि मैं थोड़ा कमा के उनको खिलाऊं, लेकिन मैं वो चाहती थी करना जो मेरा दिल चाहता था, तो उन्होंने रोका नहीं। तो दोस्तों मैं उदयपुर में एक एनजीओ था, 1972 की बात है, 46 साल पहले, वो मैंने ज्वाइन किया 250 रुपए पर। सेवा मंदिर की बिल्डिंग के एक कमरे में ही मैं रहती थी और मेरा काम था गरीबों के साथ विकास पर, ह्यूमन राइट्स पर, विमेन्स राइट्स पर काम करना। 12 से 14 घंटे काम करती थी और मुझे यूं लगा कि जैसे मैंने अब असली शिक्षा समझी और सीखी। और मेरे गुरु थे गांव के आदिवासी, गांव के दलित महिलाएं और औरतें। वहां मुझे कास्ट समझ में आई, वहां मुझे क्लास स्ट्रक्चर समझ में आया, वहां मुझे समझ में आया कि गरीबों में औरत और भी गरीब है, दलितों में औरत और भी दलित है। वहां मुझे समझ में आया कि मेरे अंदर तो एक फेमिनिस्ट बचपन से पल रही है। उस फेमिनिस्ट को मैंने समझा और धीरे धीरे मैं फेमिनिस्ट बनी। धीरे धीरे मुझे मेरे संविधान के मूल्य समझ में आए कि सोशलिस्ट रिपब्लिक, सेक्युलर रिपब्लिक ये क्या होते हैं, और उसके लिए मेरे मन में मोहब्बत जगी। मैंने वहां लिखना शुरू किया, छोटी मोटी जर्नलिस्ट सी बनने लगी। हिंदी में लिखती थी, अंग्रेजी में लिखती थी, गांवों की सच्चाइयां और विकास के झूठ। वहां जब मैं थी तो मुझे यूएन ने एक नौकरी ऑफर की, बैंकॉक में पोस्टिंग थी और मैं हमेशा पड़ोसी देशों में काम करना चाहती थी, तो मैंने ले ली। नौकरी क्या थी? रोल एंड ट्रेनिंग ऑफ चेंज एजेंट्स, यानी अंदर की आग वाले लोगों के साथ काम करना था। अपने पड़ोसी देशों में देखना था कि अंदर की आग वाले लोग कहाँ कहाँ काम कर रहे हैं, उनको इकट्ठे लाना था और उनकी कैपेसिटी बिल्ड करनी थी और उनकी नेटवर्किंग करनी थी। यानी वेमेन्स मूवमेंट के साथ काम करना था, ह्यूमन राइट्स मूवमेंट के साथ काम करना था, तो मैंने ले ली। 27 साल यूएन में रह के काम किया, फिर वहां से रिजाइन किया और फिर अब पिछले 15 साल से मैं वही काम एनजीओस के माध्यम से करती हूं। दोस्तों, जब से मैं दिल्ली आई 79 में, तब से मैं विमेन्स मूवमेंट का हिस्सा हूं, ह्यूमन राइट्स मूवमेंट का छोटा सा एक हिस्सा हूं, सेक्युलर मूवमेंट का मैं छोटा सा हिस्सा हूं। और दोस्तों, कितने साल हो गए देख लो, 70 में काम शुरू किया, 48 साल हो गए। तब से आज तक मैं यही काम कर रही हूं जो लोग दिलों में आग लेकर कहीं जाते हैं, उनको एक दूसरे से मिलवाना, उनको हिम्मत देना। अगर एक का दिया बुझता हो तो दूसरे के दिए से वापस उसमें आग जलवा देना और कहना कि ये आग तो दोस्तों, मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझती हूं कि मैंने पूरी जिंदगी वो काम किया जो मुझे पसंद था। पूरी जिंदगी मेरी हॉबी और मेरा काम एक रहा। पूरी जिंदगी मुझे कभी भी पेट पालने के लिए ईमान नहीं बेचना पड़ा, पेट पालने के लिए वो नहीं करना पड़ा जो मैं नहीं करना चाहती थी। तो इससे बड़ी जिंदगी क्या हो सकती है? और इस काम के दौरान मैं लिखना सीखा, बहुत सारी किताबें लिख दी, मैंने गाने लिखने शुरू कर दिए, पता नहीं कैसे कवि बन गई, शायर बन गई, मैंने नारे लिखे,
क्या जब्बर नारे, मैंने पोस्टर्स बनाए, बैनर्स बनाए, और दोस्तों कितने दोस्त बनाए, पता नहीं कितने सारे देशों में मेरे दोस्त हैं। मैं होटल में कभी मुझे रहना नहीं पड़ता, फ्री में दोस्तों के साथ रहती हूँ, और जब दोस्त आते हैं तो फ्री में मेरे घर रहते हैं। मुझे आप लोग दिख नहीं रहे हो, तो ये बताओ एक छोटी सी कविता सुनोगे मेरी? तो लड़कियों को डेडिकेटेड है कि हवाओं सी बन रही हैं लड़कियां, इन्हें बेखौफ चलने में मजा आता है, इन्हें मंजूर नहीं बेवजह रोका जाना। परिंदों सी बन रही हैं लड़कियां, इन्हें उड़ने में मजा आता है, इन्हें मंजूर नहीं इनके परों का काटा जाना। और पहाड़ों सी बन रही हैं लड़कियां, इन्हें सर उठा जीने में मजा आता है, इन्हें मंजूर नहीं सर को झुका कर जीना। और सूरज सी बन रही हैं लड़कियां, इन्हें चमकने में मजा आता है, इन्हें मंजूर नहीं हरदम बादलों से ढका होना। मगर दोस्तों ऐसा नहीं है कि अगर आपकी आग एक बार जल गई तो हमेशा जलती रहेगी। जिंदगी में तूफान आते रहते हैं और ये आग डबडमाने लगती है, डगमगाने लगती है और कभी बुझ भी जाती है। मेरी जिंदगी में भी तूफान आए, मैं 3 तूफानों का जिक्र करती हूँ आपके सामने। मैं 24 साल की थी, एक बड़े अफसर टाइप आदमी को मुझसे मोहब्बत हो गई, नेक थे, मैंने सोचा यार शादी तो करनी पड़ेगी कभी ना कभी, और इतना मेरे पीछे पड़ रहे हैं, मैंने कहा कर लेते हैं यार शादी। तो कर ली, लेकिन 9-10 वेरी नाइस मैन, कोई कंप्लेन नहीं थी, मगर 7-8 महीने में यूं लगने लगा कि मैं सिर्फ एक बीवी बन के रह जाऊंगी। यूं लगने लगा कि मेरे अंदर की आग जो थोड़ी बहुत थी भी वो बुझने लगी है। बहुत सोचा और जवाब ये मिला कि बिना आग के मैं नहीं जीऊंगी। मैंने वो शादी तोड़ी, पहली लड़की खानदान में, पहली औरत खानदान में जिसने तलाक लिया। मगर एक तरफ मेरी आग थी और एक तरफ मेरे समाज की झूठी इज्जत, तो मैं तो आग के पीछे हो गई। और वहां से निकल के फिर जैसे मछली पानी में आ गई, और तभी मैंने सेवा मंदिर ज्वाइन किया था। सेवा मंदिर में काम कर रही थी, कुछ साल के बाद एक दोस्त बने, मिलकर काम किया, मिलकर लिखाई पढ़ाई की, मिलकर जर्नलिज्म किया, और 8 साल के बाद, पहली शादी के 8 साल के बाद दूसरी शादी की। दोनों शादियां बिना दहेज के, बिना तामझाम के, बिना पैसे के शादियां की। हमारी एक बेटी हुई, एक बेटा। बेटा 7 महीने का था, उसको एक वैक्सीनेशन दिया जिसका रिएक्शन हो गया और उसके ब्रेन में वायरल इन्फेक्शन हो गया। पहले दिल्ली के अस्पतालों में, फिर लंदन के अस्पतालों में महीनों चक्कर काटे, कोई फायदा नहीं हुआ। उसके बाद हर माँ के जैसे मैं भी मज़ारों में गई, गुरुद्वारों में गई, मंदिरों में गई कि किसी तरह मेरा बेटा ठीक हो जाए। नहीं हुआ। वो बेटा, सेरिब्रल पॉल्सी है उसे, वो कभी बोल नहीं पाया, उसका हेड कंट्रोल नहीं है, क्वाड्रीप्लीजिक है, यानी नो मोटर फंक्शन। आज वो 38 साल का है, उसको संभालने के लिए मैं तो हूँ ही, मेरे साथ साथ 3 लोग और हैं जो उसको संभालते हैं। बेटी बड़ी होनहार, उससे बड़ी थी, सरदार पटेल स्कूल, ऋषि वैली स्कूल, सेंट स्टीफन्स, हिस्ट्री BA ऑनर्स, शेवनिंग फेलोशिप,
ऑक्सफर्ड में एमए, वापस आई, 3 साल यहाँ पर ह्यूमन राइट्स पे काम किया, इंडिया श्रीलंका, और फिर अप्लाई किया एक पीएचडी के लिए वापस बेलियल कॉलेज ऑक्सफर्ड। वहाँ उसको क्लिनिकल डिप्रेशन हो गया और उसने खुदकुशी कर ली। 27 साल की बेटी, जो सिर्फ हमारा भविष्य नहीं थी, अपने छोटे भाई का भविष्य भी थी, सहारा भी थी। तो दोस्तों, मैं ये मानती हूं कि अगर मेरी जिंदगी में कोई बड़ा मकसद ना होता, अगर मेरी जिंदगी में ये काम और ये आग ना होती, तो मैं इन तूफानों से बाहर नहीं निकल पाती। मेरे काम ने मुझे जिंदा रखा, और खास तौर से मेरी बेटी वाला जो तूफान था, वो तो मतलब मैं किसी भी कॉलेज में चली जाऊं मुझे बेटी ही नजर आती है। और अब मैं पहले से ज्यादा काम करती हूं, क्योंकि मेरी बेटी भी बहुत अधूरे काम छोड़ के गई है मेरे लिए, ह्यूमन राइट्स के, माइनॉरिटी राइट्स के, और तमाम विमेंस राइट्स के काम, तो अब उसका भी करना है, अपना भी करना है। तो दोस्तों, जब मुझे लोग कहते हैं कि कमला यार तुमने बड़ा त्याग किया, मैं हंसती हूँ। मैंने कहा मैंने कोई त्याग नहीं किया जिंदगी में, मैं पूरी जिंदगी सेल्फिश रही, क्योंकि मैंने सिर्फ वो किया जो मुझे पसंद था। तो मैं ये समझती हूं कि अंदर की आग को फॉलो करने वालों को त्याग करने की जरूरत नहीं पड़ती। आप वो करें जो आपको पसंद है, और अपने आप काम हो जाएगा। जिस काम में मैं हूं, वो काम है ह्यूमन राइट्स का, विमेंस राइट्स का, दलित राइट्स का, गे राइट्स का, राइट्स का काम है। इसमें दोस्तों काफी नहीं है कि एक कमला भसीन के बूढ़े 72 साल के दिल में आग जलती रहे। इसके लिए जरूरी है कि हम ज्योत से ज्योत जलाते चलें, और प्यार, ह्यूमन राइट्स, इक्वालिटी की गंगा बहाते चलें। अब आप मगर और दोस्तों, अगर 120 करोड़ के देश में सिर्फ 1 या 2 करोड़ लोगों में, दिल्ली की डीयू में या जेएनयू में ये दीप जलें, और बाकी जगह दीप हो ही ना, तो हिंदुस्तान कहीं आगे नहीं बढ़ सकता। मगर मुसीबत ये है कि आज भी हमारे देश में हम मेजॉरिटी दिलों में तो आग जलने ही नहीं देते। अब मैं लड़कियों की बात करूं, औरतों की बात करूं, स्टेटिस्टिक्स कहती है कि 63 मिलियन गर्ल्स एंड वेमेन हैव बीन आइदर किल्ड बिफोर देयर बर्थ और आफ्टर। कितनी? 63 मिलियन। और पैदा होने भी दिया जाता है ना, उसके बाद हमारी परंपराओं के नाम पे जो लड़कियों का हाल किया जाता है। आज भी 25-35% लड़कियों की शादी 18 से पहले हो जाती है, उनके जिस्मों, दिमागों और दिल पर ताले। वायलेंस मतलब मेट्रो में भी सेफ नहीं है, बस में भी सेफ नहीं है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी पिंजरे तोड़ने पड़ते हैं दलितों का। आज भी एकलव्य जैसे सिर्फ उनके अंगूठे नहीं काटे जाते, उनकी हर आजादी की मांग को रोका जाता है। तो मैं ये मानती हूं कि जब तक हम, मैं सोच रही थी इनको फायर ब्रिगेड कहना चाहिए, ये जो परंपराएं हैं जो अंदर की आग बुझाती हैं, ये फायर ब्रिगेडें हैं। लड़कियों के अंदर की आग बुझा दी, गरीबों के अंदर की आग बुझा दी, इन फायर ब्रिगेड्स को हटाना पड़ेगा। हर दिल में आग जलाने की कोशिश करनी पड़ेगी, ऐसे सिस्टम्स लाने पड़ेंगे। दोस्तों, एक आजादी की लड़ाई हमने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी, मेरे ख्याल से वो वाली बड़ी आसान थी, क्योंकि दुश्मन बाहर था। अब असली आजादी की लड़ाई है,
क्योंकि अब दुश्मन अंदर है। कौन है ये दुश्मन? पेट्रियार्की, पितृसत्ता, जातिवाद, अमीर गरीब का चक्कर, करप्शन, लव फॉर पावर, मैं। मुझे लगता है कि अब वक्त आ गया है इस नई आज़ादी की लड़ाई को शुरू करने का और अंत तक ले जाने का। मेरा तो टाइम पूरा हो गया, अब आपने ये बीड़ा उठाना है और इस आज़ादी की नई लड़ाई को जीतना है और देखना है कि क्या हमारे संविधान के मूल्य उस मोटी सी किताब के अंदर से निकलकर क्या वो सड़कों पर आ सकते हैं, क्या वो हमारे घरों में आ सकते हैं, क्या वो हर दिल में समा सकते हैं। जब तक संविधान के मूल्य हमारे दिलों में नहीं समाएंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। और आज आप सोशल वेलफेयर की कोई भी स्टैटिस्टिक्स ले लें, 180 देशों में हिंदुस्तान आखिरी 30 या 40 में है। तो ये हिंदुस्तान के लिए हमने लड़ाई नहीं की थी, हमें इसको आगे ले जाना पड़ेगा। और दोस्तों, अगर मुझे ठीक से जानना चाहते हो तो मेरे साथ एक नारा लगा लो। लगाओगे? पक्का? अच्छा, ये नारा ऐसा है जिसके लिए सीधा खड़ा बैठना पड़ेगा। हाँ, सीधा, और ये थोड़ा गा के लगाने वाला नारा है। आपको कहना है हम सारे बोले गा के, कैसे? हम सारे बोले। परफेक्ट। बोले रे बोले, अरे आपको बोलना है हम सारे बोले, मैं कुछ भी बोलूं आपने बोलना है हम सारे बोले। रेडी? बोले रे बोले, हम सारे बोले। हाँ जी, बोले रे बोले, हम सारे बोले। और प्यार के लिए, हम सारे बोले। खुशी परिवार के लिए, हम सारे बोले। सुखी संसार के लिए, हम सारे बोले। हाँ जी, बोले रे बोले, हम सारे बोले। और न्याय के लिए, अहिंसा के लिए, मानवता के लिए, समानता के लिए, हाँ जी, बोले रे बोले। जय हो।